में GoPro Hero 11 एक्शन कैमरा जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। आज जो है हम लोग इसी एक्शन कैमरा को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कैसा है ये एक्शन कैमरा, क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं और पुराने GoPro से इसके अंदर जो है क्या क्या इंप्रूवमेंट है, क्या आप लोग इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं परचेस करना चाहिए, सारी सारी बातें करेंगे। इसलिए आइए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं गेट सेट टेक। आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा उस एक्शन कैमरा का बॉक्स, यहाँ पर आप लोग काफी सारी यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है और ये रहा वो एक्चुअल GoPro कैमरा, इसको रख दे साइड में। उसके साथ यहाँ पर आप लोग को टाइप सी टू ए केबल देखने के लिए मिल जाती है। एक यहाँ पर आप लोगों को जो बैटरी देखने के लिए मिल जाती है जो कि आप लोग GoPro Hero 9 और 10 में अलग से परचेस करनी पड़ती है। उसके साथ यहाँ पर आप लोगों को माउंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, सारी चीजें रख दे साइड में और ये कुछ सामान आप लोगों को डब्बे के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। फटाफट से बात कर ले यहाँ पर मैं GoPro की डिजाइन की, तो यहाँ पर आप लोगों को GoPro की डिजाइन के अंदर कुछ भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो ट्रेडिशनल डिजाइन आता है दोस्तों उसी टाइप से यहाँ पर आप लोगों को डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब कि GoPro अगर आप लोगों के पास 8, 9, 10 कुछ भी है तो उनके दोस्तों सारे माउंट आप लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को अलग से माउंट जो है परचेस करना नहीं पड़ेंगे। सेम टू सेम डिजाइन है दोस्तों, बस यहाँ पर 10 की जगह 11 लिख दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को डिजाइन के अंदर कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ आप लोगों को एक्शन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फटाफट से यहाँ पर मैं इसको जो ऑन कर लेते हैं और इसके कुछ जो फीचर्स वगैरह को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस एक्शन कैमरा के अंदर 4K 60fps और 5.3K 60fps तक आप लोग जो इस एक्शन कैमरा की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 16:9, 4:3 और उसके साथ यहाँ पर आप लोगों को 8:7 का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिला है। तो ये दोस्तों एक काफी ज्यादा अच्छी चीज इंप्रूव हुई है। अगर आप लोग जो रील वगैरह बनाते हैं या फिर अगर आप लोग जो शॉर्ट वगैरह का कंटेंट बनाते हैं तो वर्टिकल वीडियो बनाने में यहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 8:7 का रेशियो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया। तो GoPro 11 में ये चीज काफी ज्यादा अच्छी कर दी गई है, यहाँ पर आप लोगों को वर्टिकल वीडियो बनाने का ऑप्शन जो है दिया गया है। ये आप लोग कुछ यहाँ पर फुटेज देख सकते हैं, ये है यहाँ पर मैं स्क्वायर फुटेज जो की है 4K 60fps 8:7 की। यहाँ पर आप लोग अगर इसको वर्टिकल कर देंगे तब आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए रील वगैरह या फिर ऐसा कंटेंट बनाने में। साथ साथ यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसके जो कैमरे का सेंसर का साइज है उसको भी यहाँ पर मैं अपग्रेड किया गया है GoPro Hero 10 के कंपेरिजन में। अगर बात कर ले एडिटिंग में तो इतना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिल जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं यह 8:7 रेशियो 5.3K रिजोल्यूशन में एट 30fps आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर एक हाइपर व्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है अल्ट्रा वाइड, तो अल्ट्रा वाइड से भी ज्यादा यहाँ पर मैं एरिया आप लोग जो कवर कर पाएंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये है नॉर्मल मोड और ये है हाइपर व्यू मोड, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क यहाँ पर मुझे आ गया। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं GoPro Hero 10 के अंदर यहाँ पर आप 8-bit कलर देखने के लिए मिलते थे और यहाँ पर आप लोगों को 10-bit कलर देखने के लिए मिलेंगे, जो उसके अंदर दोस्तों 16 मिलियन कलर थे और 10-bit के अंदर दोस्तों आप लोग जो 1 मिलियन कलर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप लोग समझिए दोस्तों कि इतने सारे कलर ऑप्शन है, तो दोस्तों जो भी चीज आप लोग शूट कर रहे हैं काफी ज्यादा रियलिस्टिक फुटेजेस आप लोग जो इसकी मदद से शूट कर पाएंगे। उसके साथ सारी चीजों के जो कलर आएंगे वो जो है काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पर मैं कलर निकल के आएंगे दोस्तों, जो एक्यूरेसी होती है कलर की। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग को ऑटो बूस्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब कि आप लोग आड़ा टेढ़ा कैसे भी जब आप लोग फुटेज रिकॉर्ड करेंगे आप लोग जो फुटेज है वो जो है काफी ज्यादा स्टेबल निकल के आएगी। तो ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर GoPro Hero 11 के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को इस एक्शन कैमरा के अंदर एक नाइट मोड का फंक्शन ऐड हुआ है जिसकी मदद से आप लोग जो लाइट ट्रेल्स जो है कैप्चर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं आप लोग जो टाइम लैप्स जब बनाते हैं तब यहाँ पर मैं दोस्तों कुछ इस टाइप से जो फुटेजेस होती है कुछ इस टाइप की फुटेजेस आप लोग जो इसकी मदद से जो कैप्चर कर पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस एक्शन कैमरा के अंदर लाइट एंड शेडो पेंटिंग का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा इस बार, जिसकी मदद से आप लोग जो है किसी भी लाइट को यूज करके एक जो पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे आप लोग कुछ जो है लाइट से कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे तब यहाँ पर मैं आप लोग जो सिर्फ और सिर्फ लाइट की मदद से उस चीज को जो पूरा का पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने इफेक्ट काफी जगह पहले जो है देखे भी होंगे। अब बात कर लेते हैं GoPro Hero 11 की बैटरी की, तो यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड एंड्यूरो बैटरी देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर मैं ऐसा क्लेम किया जा रहा है GoPro Hero 9 और 10 थे उसके कंपैरिजन में दोस्तों जो 11 की बैटरी है जो 30% इंप्रूव हुई है। यहाँ पर मैं इसका जो बैटरी बैकअप है वो आप लोगों को 30% ज्यादा देखने के लिए मिलेगा GoPro 9 और 10 से। अब बात कर ले कि ये एक्शन कैमरा आप लोगों को इंडिया के अंदर किस प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए मिलेगा, तो ये एक्शन कैमरा आप लोगों को इंडिया के अंदर 51,000 से लेके 53,000 रुपीज के बीच में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों को इस एक्शन कैमरा से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो तो नीचे जो है कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के डोमेन नहीं दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।